फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिज़ी कुकैशा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमजान स्पेशल कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पुडिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 लीटर दूध, चीनी 5 टेबल स्पून, कस्टर्ड पाउडर 4 टेबल स्पून। सबसे पहले हम कस्टर्ड का घोल तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बोल में थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। और इसी में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करूंगी। और इसे विस्कर या फोक की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं एक नॉनस्टिक पॉट में बाकी बचा हुआ दूध ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून शुगर। दूध में उबाल आने तक आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इस स्टेज पर हम कस्टर्ड के घोल को दूध में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। ये देखिए, अब ये गाढ़ा हो गया है। बस हमें इतना ही गाढ़ा होने तक पकाना है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैंने इस पॉट को गैस से नीचे उतार लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस राउंड कंटेनर को पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है। कस्टर्ड को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे 30 से 40 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। 40 मिनट्स के बाद मैंने कंटेनर को रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है, क्योंकि हमने इसे घी से ग्रीस कर लिया था, इसलिए इसके साइड्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली की तरह है। मैं इसे चॉप्ड ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड पुडिंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे कि आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत ही कॉमन है, आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएंगे। आपको ये कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।